ज एंड वेलकम बैक टू टीम का तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रेटा एंड हाइडर का बहुत ही डिटेल्ड कंपैरिजन और इस वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको इन दोनों गाड़ी में से कौन सी परचेज करनी चाहिए इंटीरियर इंटीर, एक्सटीरियर जो स्पेस एंड कंफर्ट है वो हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं हर एक स्पेक्ट को यहाँ पर हम कवर करेंगे और इसका जो डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू टेस्ट है वो बहुत ही अलग से हम पोस्ट करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल रहने वाला है सो इस वीडियो को कट शॉर्ट रखने के लिए हमने आपके लिए जो मेन एस्पेक्ट थे वो हम कवर कर रहे हैं जो ड्राइव के एस्पेक्ट है वो डिफ्रेंट वीडियो में कवर होंगे तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर ले बेलेकिन को प्रेस कर दे सो लेट्स गेट ऑन टू इट सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में दोस्तों तो दोनों का जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है काफी डिफरेंट है ये बहुत ही अर्बन एस यू वी क्रॉस ओवर टाइप लुक ऑफर करती है वेर एज आप इसकी लुक देखेंगे तो थोड़ी सी बोल्ड थोड़ी सी वाइड लुक दी गई है एंड अगर हम स्टाइलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो कट्स एंड क्रीजे यूज करी गई है जो स्लीक एलिमेंट यूज करे गए हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लुक ऑफर करते हैं इसकी जो लुक है वो काफ़ी बोल्ड बोल्ड यहाँ पे एलिमेंट यूज़ करे गए हैं बिग साइज़ की ग्रिल बिग साइज़ के हेड लैम्प्स यहाँ पे आपको स्लीक डेट एम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं स्मॉल साइज़ का यहाँ पे हेड लैम्प यूनिट दिया गया सो ये यह सब यहाँ पे यूज़ करा गया यहाँ पे आपको ट्वेंट डेटम रनिंग लाइट्स मिलेंगी जो कि टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी वर्क करती है सेंटर में यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है कार्बन फाइबर लाइक आपको यहाँ पर फ्रंट में ग्रिल मिलेगी यहाँ पर ग्रिल में गाइस क्रोम फिनिश यूज़ करी गई है सिल्वर फिनिश यूज़ करी गई है एंड दीज आर प्रोजेक्टर एल ई डी हेडलैम्प हाई बीम लो बीम आपको प्रोजेक्टर एल ई डी में मिलेगी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर एल ई डी में मिलती है तो दो एलिमेंट दिए गए हैं लो बीम के लिए एल ई डी में और एक सिंगल एलिमेंट आपको मिलता है हाई बीम के लिए जो डेटेम रनिंग लाइट्स है वो यहाँ पर दी गई है यहाँ पर डेटम रनिंग लाइट्स ऊपर की साइड आपको मिलती है देन यहाँ पे फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है हाई राइडर में फॉग लैम्प यहाँ पर आपको मिलता है नॉर्मल हेलोजन में और टर्न इंडिकेटर्स भी हेलोजन में दिए गए हैं दोनों में स्कीट प्लेट दी गई है सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे कलर की स्कीट प्लेट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी यहाँ पे आपको बिग साइज़ की अगेन सिल्वर कलर की स्किट प्लेट मिल जाती है तो दोनों की जो फ्रंट लुक है काफ़ी डिफरेंट दी गई है दोनों की जो स्टाइलिंग है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ये प्रॉपर एक वाइड लुक ऑफर करती है ये ज़्यादा स्टाइलिश ज़्यादा अर्बन लुक ऑफर करती है साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को आप इंडिविजुअली देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद हाइट इसकी कम है लेंथ ज्यादा है लेकिन आप साइड बाई हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाइट है वो काफी अच्छी दी गई है दोनों ही एसयूवीज़ की हाई राइडर की आपको अच्छी मिल जाती है Then, दोनों में स्लीक साइज की सिल्वर कलर की रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है दोनों में ही दी गई है। भी मिल जाता है दोनों में ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स अवेलेबल है विद टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे इसके नीचे एलईडी ई डी लैम्प मिलेगा जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया एंड दोस्तों यहाँ पे आपको वेलकम फंक्शन मिल जाता है यानी कि जैसे आप गाड़ी के पास पहुँचेंगे क्रेटा के पास विदाउट अनलॉकिंग द कार गाड़ी की चाबी आपकी पॉकेट में होगी तो ऑटोमेटिकली ओ आर वीम ओपन हो जाएंगे सो so, ये आपको फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है कुछ ज़्यादा काम का नहीं है जस्ट एक फैंसी कूल फीचर दिया गया और यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर कॉन्ट्रास्टिंग फिनिश मिल जाती है इस साइड ऑल्सो जो ग्लास है वो यहाँ पे आपको हाई में यूवी कट ग्लास मिलेगा तो कैबिन ओवरऑल अंदर कूल रहता है यूवी रेज वगैरह अंदर एंटर नहीं करती इतनी ज़्यादा यहाँ पे आपको यूवी कट ग्लास नहीं मिलेगा और हाई में ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा क्रिएटा में आपको सिर्फ ड्राइवर साइड स्मार्ट क्लियर से एंट्री मिलती है यहाँ पर को ड्राइवर साइड नहीं दी गई ऑल्सो जो डोर हैंडल है वो क्रिएटा का थोड़ा सा बल्की फील होता है थोड़ा सा जब हम इसे ओपन करते हैं वी फील की काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और यहाँ पे जो डोर हैंडल हाई राइडर में या फिर ग्रैंड विटारा में दिया गया थोड़ी सी बेटर क्वालिटी के हो सकता था और जो क्रोम डोर हैंडल है वो क्रेटा में दिए गए हैं बट विंडो लाइन के पास आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलती यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल अवेलेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे विंडो लाइन के पास आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है और क्रेटा में आपको साइड स्कर्टिंग भी मिल जाती है हाई राइटर में साइड में स्कर्टिंग अवेलेबल नहीं है एंड अब चलते हैं रियर की तरफ सो दिस इज द रियर लुक तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला वालू विच कैन इफेक्ट योर कार इंजन तो आजकल जो इंजनस आ रहे हैं दे आर कॉम्प्लेक्स दे आर मॉडर्न एंड अगर अच्छे से केयर ना करो तो बहुत ही जल्दी वेयर एंड एंटीयर हो जाता है माइलेज ड्रॉप हो जाती है और मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं दैट्स वाई कार नीड्स अ प्रॉपर क्वालिटी सिंथेटिक इंजन ऑयल सो ये है एच पी का न्यू सिंथ फाइव डब्ल्यू थर्टी फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड बेस्ट सेलिंग इंजन ऑयल है जो कि कम्पैटेबल है पेट्रोल के साथ गैस के साथ डीजल के साथ एंड बायो डीजल के साथ दूसरे कंपटीशन से कंपेयर करें तो ये गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एच पी लुब्रिकेंट का नियो सिंथ ऑयल है फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है मोस्ट ट्रस्टेड चॉइस है फॉर स्मार्ट मकैनिक्स बाइकर्स एंड कार ओनर्स और ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन करा गया मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स इंजन के लिए ताकि उनकी जो माइलेज है वो इंक्रीज हो सके फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो सके और इंजन की जो हीट है वो भी रिड्यूस हो सके और रियल लुक दोनों ही कारी ज़्यादा अट्रैक्टिव है यहाँ पर भी आपको स्पॉलर मिल जाता है यहाँ पे भी स्पॉलर दिया गया है यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी मिलेगी स्पॉलर पे रियर वाइपर एंड डिफॉगर इधर भी अवेलेबल है आपको इधर भी मिल जाएगा देन जो टेल लैंपस का डिज़ाइन है यहाँ पे आपको काफ़ी बिग साइज़ के टेल लाप मिलते हैं स्लीक एल ई यूज़ करी गई है यहाँ पर जो टेल लैम्प है आपको बहुत ही ज़्यादा स्लीक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट टेल लाप मिलेंगे जो कि रियर क्रोम एप्लीक में जाके मर्ज हो जाते हैं काफ़ी अच्छी लुक ऑफर करते हैं यहाँ पे थोड़ी स्लूपिंग रूफ लाइन दी गई है तो इस वजह से जो रियर की लुक है वो हल्की सी आपको स्लूपिंग लगती है और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको इधर मिलेगा हाई माउंट स्टॉप लैम्प क्रेटा में सेंटर में दिया गया जो कि अगेन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक ऑफर करता है एंड देन रियर में दोनों में ही प्लेट अवेलेबल है एंड यहाँ पे थोड़ा स्लीक आपको स्क्रिट प्लेट मिलेगी यहाँ पे बिग साइज़ का बम्पर दिया गया ब्लैक लैडिंग के साथ देन यहाँ पे आपको स्किट प्लेट भी डुअल टाइप मिलती है तो थोड़ी ये बोल्ड बोल्ड यहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ करे गए करेटा में यहाँ पे थोड़े स्लीकर स्मार्टर एलिमेंट्स यूज करे गए हैं बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में सो दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस और ये हाई राइडर का बूट स्पेस और हाई राइडर में आपको दो टाइप के बूट स्पेस मिल जाते हैं यानी कि न्यू ड्राइव में बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और हाइब्रिड में थोड़ा बूट स्पेस जो है वो कम मिलेगा बिकॉज वहाँ पे जो बैटरी है वहाँ पे प्लेस्ड है और क्रेटा में जो स्पेयर टायर है वो आपको यहीं पे प्लेस मिलता है हाई राइडर में जो स्पेयर टायर है वो न्यू ड्राइव में तो यहीं पे प्लेस मिलेगा ऊपर की साइड लेकिन हाइब्रिड में आपको नीचे अंडरबॉडी प्लेस मिलता है स्पेयर टायर बिकॉज जो बैटरी है वो ऊपर की तरफ प्लेस करी गई है देन क्रेटा में आपको यहाँ पे एक लगेज लैम मिल जाता है हाई राइडर में लगेज लैम के साथ एक ट्वेल्व वोल्ट का सॉकेट भी मिलेगा और यहाँ पर बोस का सब ओफर दिया गया है लेकिन हाई राइडर में कोई भी आपको सब ओफ़र नहीं मिलता और क्रेटा में यहाँ पर आपको एमरजेंसी एग्जिट मिल जाती है जो कि हाई राइडर में अवेलेबल नहीं है और दोनों के इंजन में काफ़ी अच्छे यहाँ पे साउंड रर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है यहाँ पे थोड़े ज्यादा साउंड रर्निंग मटेरियल यूज़ करा गया बिकॉज हाइब्रिड में आपको थ्री सिलेंडर इंजन मिल जाता है एंड देन दोनों में अंडरबॉडी इंजन गार्ड भी अवेलेबल है यहाँ पे कुछ हीट इंसुलेटेड मटेरियल भी यूज़ करे गए हैं और अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में तो ये है हाई राइडर की फ्रंट सीट का इन एंड आउट तो वैसे तो दोनों ही एस यू है दोनों की फ्रंट सीट में जो इन एंड आउट है काफ़ी आपको ईजी मिलता है लेकिन क्रेटा में स्लाइटली बेटर मिलेगा क्रेटा में यहाँ पर जो सीट्स की हाइट है ओवरऑल जो ग्राउंड क्लियर है स्लाइटली हाई दी गई है जो सीट की हाइट है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर है तो यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो हमें ज़्यादा एक एस यू वी फील आती है कम्पेरेटिवली देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स अवेलेबल है जो कि हाई राइडर में आपको नहीं मिलेगी सो so, क्रेटा का जो कैबिन है आपको स्लाइटली वाइड मिलेगा स्लाइटली लॉन्ग मिलेगा और यहाँ पे जो एरी एंड रूमी फील है वो थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है देन जो सीट्स का साइज़ भी है वो थोड़ा सा बिग दिया गया तो जो थोड़े हेल्दी पैसेंजर्स हैं उन सब के लिए बनी है थोड़ा ज़्यादा आप Then, यहाँ पे कम्फर्टेबल थोड़ा खुला होकर यहाँ पे आप बैठ जाते हैं देन यहाँ पे एंडोथाई सपोर्ट दोनों ए का बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर दिया गया हार्डली एनी डिफरेंस है एंड दोनों ही ए का, का जो लोअर बैक सपोर्ट है अपर बैक सपोर्ट है काफ़ी कम्फर्टेबल मिलता है यहाँ पे अपर शोल्डर सपोर्ट दिया गया जो कि आपको सेल्टर्स में या फिर बाकी ए इतनी ऑफर नहीं करती बट हाई राइटर में भी जो अपर शोल्डर सपोर्ट है वो अच्छा दिया गया है क्रेटा से बेटर दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशनिंग जो है वो नहीं दी गई जो डेंसिटी भी है वो फोम की थोड़ी सी कम मिलती है वहाँ पे हाई राइटर में फ़ोम की डेंसिटी भी अच्छी दी गई है अपर साइड सीट की और आपको कम्फर्ट भी जो है वो ज़्यादा अच्छा वहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर जो रूम आपको मिलता है वो थोड़ा सा बेटर मिलेगा करेटा के कंपेरिजन में करेटा में बिल्कुल स्ट्रेट दिया गया तो हल्का सा यहाँ पे रूम कम मिलता है यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया इधर बट हार्डली एनी डिफरेंस वो क्रिएट करेगा इसके अलावा गाइज यहाँ पे जो हैड रेस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है थोड़ी ज़्यादा अप्रोचेबल है लॉन्गर ऑक्यूपेंट्स के लिए भी वहाँ पे जो हैड रेस है थोड़ी सी छोटी दी गई है सो so, ओवरऑल जो फ्रंट सीट है वो दोनों ही एस्यू पी है वो काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है क्रेटा की थोड़ी वाइट दी गई है थोड़ी बिग दी गई बस इतना सही यहाँ पे डिफ्रेंस है अब बात करते हैं रियर सीट के बारे में और ये है रियर सीट में हाई राइटर का इन एंड आउट और ये है क्रेटा का इन एंड आउट क्रेटा का इन एंड आउट अगेन आपको थोड़ा ज़्यादा ईजी मिलता है थोड़ा ज़्यादा कम्फर्टेबल मिलता है सो so, ये है रियर सीट रियर सीट यहाँ पर रिक्लाइनेबल नहीं मिलती एंड थ्री एडजस्टेबल हेड्रेस दी है क्रेटा में आपको दो एडजस्टेबल हेड्रेस मिलेगी एंड देन यहाँ पे जो डोर दिया गया थोड़ा ज़्यादा कुशनिंग ऑफर करता है यहाँ पे जो आमरेस दी गई है काफ़ी अच्छी कुशनिंग ऑफर करेगी जो क्रेटा के आमलेस है वहाँ पर थोड़ा सा लेदर दिया गया लेकिन वो इतनी अच्छी कुशनिंग इतना ज़्यादा कम्फर्ट ऑफर नहीं करती यहाँ पर जो आमलेस है ज़्यादा कम्फर्ट ऑफर करती है वैसे तो मिड साइज़ के तीन एडल्ट दोनों ही एस में बैठ सकते हैं लेकिन अगर मिड साइज़ के एडल्ट थोड़े से टॉल है तो वो क्रेटा में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे ये है हाई राइडर का लेग रूम ये है क्रेटा का लेग रूम है का हेड रूम और यह लेग रूम आपको हाई राइडर में स्लाइटली एक्स्ट्रा मिलेगा हेड रूम यहाँ पे क्रेटा में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा दिया गया कंपेरेटिवली लेकिन आपको क्रेटा से भी ज़्यादा में हेड रूम मिल जाता है और है। है ये है हाई राइडर की नॉन रिक्लाइन सीट एंड यह है रिक्लाइन सीट सो है क्रेटा की नॉन रिक्लाइन सीट्स और यह है टू स्टेप रिक्लाइन रिक्लाइन एंगल डेफिनेटली काफी ज्यादा बेटर है देन यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही अच्छा कंफर्ट ऑफर करता है तो बहुत ही कंफर्टेबल ये कार के एक्सपीरियंस को बना देता है और हाई राइडर की जो रियर सीट है वो टॉलर ऑक्यूपेंट्स के लिए नहीं बनी यहाँ पे टॉलर ऑक्यूपेंट्स आराम से बैठ सकते हैं ऑल दो यहाँ पर सीट्स में एक स्लाइड बिट प्रॉब्लम आती है ये जो सीट है एंड में जाके बहुत ज़्यादा कर्व हो जाती है सो so, अगर यहाँ पे थ्री पर्सन बैठेंगे तो एंड वाला जो है उसको यहाँ पर जो अंडरथाई सपोर्ट है वो स्लाइडली कम मिलेगा एंड देन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि इतना ज़्यादा कम्फर्ट ऑफर नहीं करती प्लास्टिक थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर फील होता है बट वन गुड थिंग इज़ दैट यहाँ पर रियर में आपको सन शेड मिल जाता है जो कि काफ़ी कमाल का है एंड दिस इज़ द गुड हेड रूम जो कि एक प्लस पॉइंट है और रियर एसी की बात करें तो इस सेगमेंट में जो सेल्टोस का रियर एसी है वो इतना ज़्यादा आपको पावरफुल नहीं मिलता बिकॉज़ वेंट ज़्यादा बढ़ा दिया गया एयर फ्लो उतना ही आपको मिलेगा यहाँ पे उससे ज़्यादा पावरफुल मिलेगा लेकिन इससे भी ज़्यादा पावरफुल जो रियर एसी है वो दिया गया हायर हेडरूम में और जिसका फ्लो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है जो इंटीरियर एंड फिट एंड फिनिश क्वालिटी की बात करें तो दोनों के जो इंटीरियर्स हैं टोन दिए गए हैं मल्टीपल टेक्सचर्स और काफ़ी जगह पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ करी गई है हाई राइडर में भी एंड क्रेटा में भी क्रेटा में सेंटर कंसूल को पूरा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी लुक ऑफर करता है यहाँ पे एक कंप्लीट लेदर आपको मिल जाएगा ऑन द डैश बोर्ड एंड ओवरऑल जो डोर्स के फिट एंड फिनिश क्वालिटी है आपको हाई राइटर की ज़्यादा बेटर मिलेगी ज़्यादा अच्छा कुशन लेदर यहाँ पे दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश भी अवेलेबल है और दोनों में यहाँ को डुबर टोन लेदर सी टेपोलिट्री मिल जाती है क्रेटा में ब्लैक एंड बीच दी गई है वहाँ पे आपको ब्राउन एंड ब्लैक मिलती है साथ में यहाँ पे कोई लेदर नहीं दिया गया सो लेदर टाइप फिनिश दी गई है बट इट इज़ लाइक प्लास्टिक बट ओवरऑल दोस्तों जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो यहाँ पे क्रेटा में आपको मच बेटर मिलती है जितने भी पे कंट्रोल्स दिए गए हैं जो भी यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं इवन जो स्टेलिंग पे कंट्रोल्स आप देख रहे हैं पियानो ब्लैक फिनिश सिल्वर फिनिश यहाँ पे यूज़ करी गई है एवरीथिंग फील्स सो हाई क्वालिटी ऑल दो यहाँ पे जो पावर विंडो कंट्रोल्स हैं वो इतने ज़्यादा हाई क्वालिटी फील नहीं होती डोर पे भी थोड़ा ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करा गया वहाँ पे थोड़ा लेदर यूज़ करा गया तो वो थोड़ा प्रीमियम फील होता है लेकिन ओवरऑल जो बटन्स की क्वालिटी है जो इक्विपमेंट की क्वालिटी है वो यहाँ पे बेटर दी गई है यू कैन सी द कंसोल प्रॉपर फिट एंड फिनिश क्वालिटी इज़ रियली नाइस इवन यहाँ पे जो एयर प्यूरीफायर दिया गया टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया फील सो नाइस काफ़ी प्रीमियम ये कैबिन फील होता है और क्रेटा में एमबियट लाइट सिर्फ इस साइड अवेलेबल है यानी कि डैशबोर्ड के नीचे आपको ब्लू कलर की एम लाइट मिल जाती है जो कि बहुत ही क्लासी लुक ऑफर करती है एंड हाई की बात करें तो वहाँ पर डैशबोर्ड में थोड़ी सी स्मॉल साइज की ही लाइट दी गई है और उसके डोर हैंडल के नीचे आपको ऑल फोर डोर हैंडल्स के नीचे एम लाइट मिल जाती है फ्रंट फुटवेल पर एम लाइट मिल जाती है इवन आप डोर ओपन करेंगे तो भी आपको वहाँ पे पडल लैम मिल जाता है बट क्रेटा में सिर्फ डैशबोर्ड में यहाँ पे एम लाइट अवेलेबल है और ओ आर वी एम के नीचे आपको एलईडी पडल लैम मिलता है उधर हाई में एलईडी पडल लैम ओ आ वी एम के नीचे में दिया गया डोर के नीचे आपको मिलता है और ये है कार की कीज़ ये है हाई राइटर की की एंड ये है क्रेटा की की क्रेटा की की में यहाँ पे जो बटन दिया गया इससे हम गाड़ी को स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकते हैं दूर से ही यहाँ से हम स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं कर सकते ऑल जो दोनों में ही कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच से आप कार को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं और जो यहाँ पे कीज में बटन दिए गए हैं इधर आपको हाई राइटर में प्लास्टिक के बटन मिलेंगे यहाँ पे मेटल के बटन मिलेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम ये फील होता है और ये जो की है थोड़ी सी बिग साइज की दी गई है स्मॉल सी टाइनी की आपको मिलेगी और इसके अलावा बात करते हैं अदर स्पेट्स के बारे में और दोनों ही एस में आपको फुल साइज़ पैरामिक सनरूफ मिल जाती है यहाँ पे जो शेड दिया गया यानी कि जो ब्लाइंड है वो क्रेटा का थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्लाइंड मिलता है हाईलाइडर में जो ब्लाइंड है वो हल्का सा पतला दिया गया और लाइट ज़्यादा वहाँ पे अंदर एंटर करती है साथ में सनरोफ की जो ओपनिंग है दोनों की काफ़ी अच्छी दी गई है हाई की स्लाइटली मुझे लगता है बेटर है एंड काफ़ी रेयर तक काफ़ी दूर तक ये ओपन हो जाती है और जो क्रेटा की सनरूफ है वो आपको यहाँ तक मिलती है लेकिन ओपन यहीं तक होती है सेम इसकी भी यहाँ तक ओपन होती है लेकिन इसकी सनरूफ यहीं पर एंड हो जाती है दोनों में जो कैबिन है ए एंड रूमी मिलता है क्रेटा का जो कैबिन है वो स्लाइटली ज़्यादा रूमी दिया गया बिग साइज़ की विंडोज़ होने की वजह से लेकिन यहाँ पे जो यू वी कट विंडोज है इट हेल्प्स अ लॉट और क्रेटा में यहाँ पे टल्ट एडजस्टमेंट अवेलेबल है टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती हाई राइटर में टल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों दी गई है और स्टेरिंग व्हील पे क्रेटा पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स वॉइस कमांड कंट्रोल्स एम आई डी कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं सेम कंट्रोल्स यहाँ पे आपको हायर राइडर में भी देखने को मिलेंगे दोनों ही कंट्रोल्स क्रेटा के एंड हायर लाइटर के दिए गए हैं बैकलाइट इल्यूमिनेशन के साथ वहाँ पे बैकलाइट आपको मिलेगी एम्बर कलर की यहाँ पे आपको मिलती है वाइट कलर की थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बेल शिफ्टर्स भी दोनों में अवेलेबल हैं यहाँ पे जो बेड शिफ्टर्स दिए गए हैं थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम लुक ऑफर करते हैं और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्रेटा में भी दिया गया और इवन हाईराइटर में भी आपको मिल जाता है दोनों का जो क्लस्टर है काफ़ी प्रीमियम लुक ऑफर करता है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन डिस्टेंस टू एम इवन टर्न बाई टर्न नेविगेशन ये दोनों ही क्लस्टर शो करते हैं आउटसाइड टेम्परेचर गियर पोजिशन इंडिकेटर गियर शिफ्ट इंडिकेटर तो ये सब यहाँ पर डिस्प्ले होता है तो दोनों ही जो क्लस्टर दिए गए हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव है एंड अगर कोई भी डोर ओपन होगा तो उन सबका आपको रिमाइंडर इधर मिल जाएगा बट जो बोनेट ओपन होता है वो क्रेटा का रिमाइंडर यहाँ पे नहीं दिया गया हाई राइटर में बोनेट ओपन का रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है हाई राइटर का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा जैसे कि ग्राफिकल फॉर्मेट में रियल टाइम पावर एंड टॉक फिगर एक्सलोडेशन एंड ब्रेक फिगर्स एंड इंट्रोमेंट कलस्टर दोनों ही काफ़ी प्रीमियम लगते हैं और यहाँ पर कुछ आपको एनालॉग भी डिस्प्लेज मिल जाते हैं जैसे कि आर पी का जो है वो एनालॉग डिस्प्ले दिया गया और बाकी आपको सेंटर में स्पीडोमीटर एम आपको पूरा डिजिटल मिलेगा और हाई राइडर में आपको अप डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको स्ट्रेट ऐसा व्यू मिल जाता है जिसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन डिस्प्ले होती है डिजिटल लाइफ स्पीड एवरेज फ्यूल कंजम्पशन इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन गयेर पोजिशन इंडिकेटर लो फ्यूल रिमाइंडर बैटरी रिमाइंडर कोई डोर ओपन रह जाता है तो उसका रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है सो अप डिस्प्ले काफ़ी कमाल का फीचर है स्पेशली जब आप नेविगेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो अब बात करते हैं एक मेन एस्पेक्ट के बारे में जो है इन्फोटेनमेंट सिस्टम इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको किसका बेटर मिलता है यहाँ पे आपको 10.25 पॉइंट टू फाइव इंचज का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा हाई रेडर में अवेलेबल है नाइन इंचज का टच इन्फोटेमेंट सिस्टम जो टच रिस्पॉन्स है वो दोनों का ही काफी अच्छा दिया गया इवन मेरे को लगता है कि हाई रेडर का जो टच रिस्पांस है वो आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा क्विक मिल जाता है बट दोनों का इतना क्विक है कि आपको हार्डली एनी डिफरेंस लगेगा दोनों में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो अवेलेबल है बट यहाँ पे क्रेटा में आपको वायर लगा के एप्पल कार्पले कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि इतना कन्वीनियट नहीं रहता यहां है यहाँ पे हाई राइटर में अवेलेबल है वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो स्मार्टफोन आपका जो है वायरलेसली कनेक्टेड रहेगा जो कि एक बहुत ही कन्वीनियट फीचर है हाईराइटर में आप एप्पल के एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू नेविगेशन गूगल मैप्स वगैरह या कोई और मैप्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे इनबिल्ड नेविगेशन अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छी दी गई काफी बेटर है यहाँ पे प्रॉपर आपको शो होता है कि आपको फ्लाई ओवर के ऊपर से जाना है नीचे से जाना है एग्जैक्ट यहाँ पे डाइवर्जन uh, वगैरह जो है वो सब कुछ शो होता है तो थोड़ा ज़्यादा ये प्रिसाइज़ यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाती है वहाँ पे जो इन नेविगेशन है ऑल दो उसका टर्न बाई टर्न का डिस्प्ले आपको क्लस्टर में मिलेगा इधर भी आपको मिलता है लेकिन uh, जो उसकी नेविगेशन है और इसकी नेविगेशन है उसमें स्लाइट आपको डिफरेंस मिलता है इन जो नेविगेशन है वो थोड़ी सी आपको बेटर मिलती है यहाँ पर जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम ओवरऑल दिया गया यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाता है जो कि हाई राइटर में अवेलेबल नहीं है बट अदर देन दैट हाई राइटर का जो इन्फोटेमेंट सिस्टम है वो आपको कम्प्लीटली फीचर रिच मिलेगा सो so, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट इनफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होती है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड फ्यूल इकोनॉमी एनर्जी फ्लो वायरलेस चार्जर कंप्लीट इनफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है एवरेज स्पीड में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे भी मेरे को अंदर और डिटेल में इंफॉमेशन मिल जाएगी करंट ड्राइविंग टाइम वन ड्राइव माइलेज एवरेज स्पीड इवन यहाँ पे अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी में जाऊँगा तो इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पन एवरेज फ्यूल कंजम्पन डिस्टेंस टू एम हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होती है और यहाँ पे वार्निंग्स वाइकल अलर्ट सब कुछ डिस्प्ले होता है थोड़ा सा ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव दिया गया है सो so, काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है इन द होम स्क्रीन एंड अंदर आप डेप्थ में भी जा सकते हैं और आरकमी साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है यहाँ पे फोर स्पीकर्स एंड टू फ्रंट स्पीकर दिए गए हैं तीन साउंड मोड आपको मिलेंगे नेचुरल एकोस्टिक एंड डायनामिक एंड जो साउंड क्वालिटी है वो क्रेटा की आपको वे बेटर मिलती है जो क्रेटा की साउंड क्वालिटी है वो आपको सेल्टॉस से भी ज्यादा बेटर मिलेगी ऑल दो दोनों में ही बोस के सिस्टम अवेलेबल है क्रेटा में फोर स्पीकर्स, टू फ्रंट वेटर्स वन सेंटर स्पीकर एंड वन सब ऑफ़र मिलता है विद एम्पलीफायर बोस की साउंड क्वालिटी दी गई है और साउंड क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस है क्रेटा की वे बेटर है और कैमरा की बात करें सो so ये है रियर व्यू कैमरा गाइडलाइंस आर अडाप्टिव थ्री सिक्सटी कैमरा नहीं दिया गया सेंसस का ऑल दो जो डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और सेंसस का जो डिस्प्ले है वो इंस्ट्रोमेंट क्लस्टर में भी मिलेगा और जो कैमरा की क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है और ये है हाई का कैमरा जो और रियर सेंसर का डिस्प्ले आपको यहाँ पे हाई राइडर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नहीं मिलेगा इनफोटेनमेंट सिस्टम में आपको सेंसर का डिस्प्ले प्लस कैमरा का डिस्प्ले मिल जाता है हाई राइडर में थ्री सिक्सटी डिग्री का कैमरा अवेलेबल है फ्रंट कैमरा रियर कैमरा ओ के नीचे का व्यू भी आपको मिल जाएगा टॉप डाउन व्यू भी मिल जाता है काफ़ी एक्सेलेंट व्यू दिया गया है सो थ्री कैमरा की जो यहाँ पे क्वालिटी है स्लाइटली बेटर हो सकती थी जो रियर कैमरा को क्रिएटर में मिलता है थोड़ा सा क्लैरिटी uh, वाला व्यू ऑफर करता है बट एनी हाउ गाइज थ्री सिक्सटी कैमरा इज़ वे बेटर देन रिवर्स पार्किंग कैमरा फ्रंट व्यू सारी तरफ तो सबको व्यू मिल जाता है गाइडलाइंस पे अडाप्टिव दी गई हैं थ्री सिक्सटी कैमरा के साथ जो कि काफ़ी अच्छा व्यू ऑफर करती है और हाई राइडर के जो लोअर ट्रिम्स हैं जिनमें आपको थ्री सिक्सटी कैमरा नहीं मिलता उनमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं रियर पार्किंग कैमरा के साथ वो अडेप्टिव नहीं है हाई राइडर के दोनों ही सनशेड पर आपको मिलेगा वैनिटी मिरर विद हेलोजन लैम्प और क्रेटा में एक साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है एक साइड आपको टॉल सीट होल्डर मिलेगा बट लैम्प कोई भी नहीं दिया गया और हाई राइडर में फ्रंट में आपको क्या भी लैम्प मिल जाते हैं जो कि हेलोजन में दिए गए हैं एल में होते तो ज़्यादा बेटर रहता है सन ग्लास होल्डर भी अवेलेबल है और रियर में भी दोनों साइड आपको हेलोजन लैम्प मिल जाते हैं और क्रिएटर में भी फ्रंट में ट्विन लैम्प दिए गए हैं जो कि एल में है जो ज़्यादा आपको ब्राइट मिलते हैं एंड सन ग्लास होल्डर भी अवेलेबल है जो कि थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है और क्रिएटा में जो रियर में लैम्प है वो एल में दिया गया विच इज़ स्लाइटली मोर पावरफुल और क्रेटा में आपको फ्रंट में सिल प्लेट मिल जाती है हाई राइडर में नहीं दी गई और रियर में भी आपको सिल प्लेट मिल जाती है क्रेटा में हाई राइडर में अवेलेबल नहीं है तो अब इन एवज में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए वैसे हमने यहाँ पे ड्राइव की बात नहीं करी लेकिन कुछ एस्पेक्ट में आपको बहुत ही क्विकली बता देता हूँ यहाँ पे जो सस्पेंशन है यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन मिलता है ये बहुत ही रफ एंड टफ रोड्स को ईजिली हैंडल कर सकता है ये वाले जो सस्पेंशन है ये भी बम्स एंड बॉटर्ज वाली रोड को हैंडल कर सकता है सॉफ्ट सस्पेंशन दिया गया लेकिन इतना हैवी ड्यूटी जैसे बोलते सस्पेंशन वो ये नहीं है यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन मिलता है थोड़ा सा हैवी ड्यूटी सस्पेंशन दिया गया दैन uh, यहाँ पे जो माइलेज है हाइब्रिड अगर आप परचेज करेंगे या फिर आप न्यू ड्राइव भी परचेज करें आपको इससे बेटर यहाँ पे माइलेज मिल जाएगी और इसके अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स आते हैं एक्सटीरियर लुक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी इंटीरियर आई गेस इसका जो इक्विपमेंट जो मटेरियल दिया गया जो फिट एंड फिनिश है वो स्लाइटली बेटर है क्रेटा में एंड ओवरऑल जो स्पेस एंड कम्फर्ट है वो भी आपको क्रेटा में बेटर मिलता है और इसके अलावा जो बाकी एस्पेक्ट्स है वो हम इसके डिटेल ड्राइव रिव्यू में भी कवर करने वाले हैं सो so, आपको इन दोनों एस में से कौन सी बेटर लगी एंड कौन सी आप परचेज़ करना प्रेफर करेंगे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और अगर आपके कोई भी डाउट्स है कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से वन टू वन बात करना चाहते हैं तो लिंक दिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कर सकते हैं मेरे से वन टू वन आप बात कर सकते हैं साथ में हर एक कार की जो एक्जैक्ट सर्विस कॉस्ट है वो हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है अप टू टेन ईयर्स की तो वहाँ पर जाकर आप सर्विस कॉस्ट चेक कर सकते हैं एंड दोस्तों डोंट फॉर टू लाइक दिस वीडियो